जाते हैं, ये कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो हम देंगे। अच्छा, नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप देख रहे हैं जो ये जो कुंड है बहुत ही उबलता हुआ पानी है। इसके अंदर अगर चावल डाल दिए जाते हैं तो चावल बन जाते हैं और चावल को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। लोग घर को लेकर जाते हैं और अपने परिवार को खिलाते हैं, साथ ही आलू जो भी आप कुछ बनाना चाहो इस कुंड में तैयार हो जाते हैं। ये कुंड जो है मणिकर्ण साहब में है। मणिकर्ण साहब जो है भोलेनाथ का मंदिर है, जहाँ पर भगवान शंकर ने 11,000 साल तपस्या की थी और साथ ही माता पार्वती जी यहाँ पर विश्राम करते हैं। तो आप देख सकते हैं, और साथ में यहाँ पर भगवान श्री राम का भी मंदिर है। तो मंदिर भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो साथ में फ़िलहाल आपको कुंड दिखा रहा हूँ। इस कुंड में जो पानी है बहुत ही पवित्र माना जाता है और इस कुंड के अंदर जो भी डालते हैं वो सब कुछ तैयार हो जाता है। लोगों ने बोरी डाल रखी है आलू की, चावल की, तो उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। मंदिर है, ये दिखाइए।